गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे चैनल पर मेरे समस्त दर्शकों का स्वागत है। सावन की शुरुआत होने वाली है और मैं भागलपुर स्थित बूढ़ानाथ मंदिर में आया हुआ हूँ। देख लीजिए, मंदिर का ये मेन गेट है, ये मंदिर का मुख्य गेट हुआ। और चलिए अंदर देखते हैं सावन की क्या तैयारी है इस मंदिर में। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर है ये, क्योंकि कल से पूर्णिमा और सावन की शुरुआत होने को है। चलिए अपने साथ आप लोगों को मंदिर प्रांगण में लेके चलता हूँ और बारी बारी से सारे चीज़ से अवगत कराता हूँ। ये मंदिर का बाहर का नज़ारा है, देख लीजिए आप। ये उधर पे बूढ़ानाथ का गार्डन है, वो चलिए देखते हैं। गोल बम ये मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार है बाबा का। ये मंदिर का प्रांगण है, देख लीजिए, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर का प्रांगण। यहाँ पे शादी विवाह भी होता है और ये निबंधित मंदिर है। इतना अच्छा नज़ारा है मंदिर का। ये चलिए मैं मंदिर प्रांगण में लेके चलता हूँ। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ की जय। ये मंदिर का कार्यालय है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सावन की तैयारी है, ये लोग सब संकल्प के लिए बैठे हुए हैं। सारे पंडित जी लोग अपनी यहाँ कार्य करते हैं। विश्व प्रसिद्ध मेला श्रावणी मेला का आरंभ होने जा रहा है और उसकी अच्छी खासी तैयारी इस मंदिर प्रांगण के द्वारा, मंदिर प्रशासन के द्वारा किया गया है। आगंतुकों को कोई परेशानी नहीं हो, उसके हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र में मंदिर फैला हुआ है और कितनी अच्छी व्यवस्था, कितनी खूबसूरत दिख रही है ये। चलिए अब मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ। सारा मंदिर का प्रांगण है, देख लीजिए। ये
तैयारी चल रही है ऊपर। जय भोलेनाथ की जय। मेरे चैनल राजश्री एम ब्लॉगर पर मेरे समस्त दर्शकों का स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, तो इसीलिए प्लीज प्लीज सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। ये देखो, ये एक बिल्डिंग है ये, और एक वो। तो आज हम लोग घूमने आए गुड़ानाथ मंदिर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अब मैं मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहा हूँ। ये मंदिर बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।